मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन लोग मेरा बुरा करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर दी सक्सेस, हैविंग 51 ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस एंड 30 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। एट कॉन्कर दी सक्सेस, वी आर कमिटेड टू टेक यू टू न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस एंड अनकंडीशनल हैप्पीनेस थ्रू अ 7-डायमेंशनल अप्रोच दैट इंक्लूड्स ट्रेनिंग्स, काउंसलिंग्स, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लाइफ बिटवीन लाइफ, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। सो स्टे कनेक्टेड। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन लोग हमारा बुरा करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बुरा और अच्छा क्या होता है। जो चीज आपके लिए बुरी है, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी बुरी हो। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जब मैं कॉरपोरेट में या स्कूल्स में जब मैं बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूं, जहां काफी ऑडियंस होती है, मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोग हाथ खड़ा करें वो लोग जिन्होंने किसी का जानकर बुरा किया है, और कोई भी इंसान हाथ खड़ा नहीं करता। और जब मैं उस दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि वो लोग हाथ खड़ा करें जिनके साथ औरों ने बुरा किया है, तो सब लोगों का हाथ खड़ा हो जाता है। अब मैं बोलता हूं कि अगर हम यही मान लें कि पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो यही 100-150-200 लोग हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं, इनमें से ये एक सैंपल है, इसमें से कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने किसी भी दूसरे के लिए बुरा किया हो, लेकिन हर इंसान को ऐसा लगता है कि हमारे साथ औरों ने बुरा किया है। तो जो मुझे लग रहा है कि किसी ने बुरा किया है, क्या वो सही में उसने बुरा किया है? मैं यहां पर आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। आप जब कहते हैं कि मैं दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करता हूं, किस रेफरेंस में आप अच्छा करते हैं? आप अपने सोच के हिसाब से, आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही तो अच्छा करते हैं। यानी जो आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ठीक लगता है, जो आपको अपने विचारधारा से, अपनी सोच से ठीक लगता है, वही आप दूसरों के साथ करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने जो किया है वो अच्छा है। लेकिन अगर वह चीज दूसरे की पर्सनैलिटी के हिसाब से, दूसरे की सोच के हिसाब से अगर वो अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि आपका अच्छा किया हुआ उनको बुरा लगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यही होता है। हर इंसान हर सिचुएशन में अपने हिसाब से अच्छा ही करता है। मेरे पास हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप केसेस आते हैं, फैमिली काउंसलिंग के केसेस आते हैं, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के केसेस आते हैं। ये क्या केसेस हैं? ये वही तो हैं जहां पे दोनों यही कहते हैं कि हम दूसरे के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन दूसरा ही है जो हमारे लिए बुरा कर रहा है। नहीं, हम सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, हम सबके बिहेवियर अलग हैं, इसलिए हम सबके लिए जो नेचुरल बिहेवियर है वो भी अलग होगा। जैसे हम अगर पर्सनालिटी को दो तरह से डिवाइड करें, एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है। अब इंट्रोवर्ट के लिए लोगों से ना मिलना ही उसके लिए नेचुरल है, अपने विचारों के साथ काम करना उसके लिए नेचुरल है। अगर वो यही करेगा तो उसको ठीक लगेगा। लेकिन अगर कोई एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, उसके लिए नॉर्मल क्या है? उसके लिए नॉर्मल है और लोगों से मिलना, तो उसके लिए ये ठीक है। अब एक्सट्रोवर्ट के लिए अकेले रहना गलत है और इंट्रोवर्ट के लिए औरों से मिलना गलत है। इसी तरह से जो आपके लिए सही है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए सही हो। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप चार फ्रेंड्स एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं और पीछे से कोई आता है जो बहुत गलत तरीके से डोमिनेट करके, हॉर्न बजा के आपको ओवरटेक करके चला जाता है। अब चारों ने बिहेवियर एक सा ही देखा है, चारों ने एक्सपीरियंस एक ही चीज को किया है, लेकिन चारों का बिहेवियर अलग हो सकता है। एक इंसान का सोचना होगा कि यहां पे 90% लोगों को ड्राइविंग सेंस नहीं है, तो क्यों किसी से झगड़ा करना? तो ही इज प्राइमरीली अवॉइडिंग द सिचुएशन। और दूसरे इंसान को वहां पे शीशा खोल के चिल्लाना है, गाली देना है, उसके लिए यही नेचुरल है, यही सही है। उसको इससे भी लेना देना नहीं है कि ये तो ओवरटेक करके चला गया, वो तो सुनने वाला भी नहीं है जो मैं कह रहा हूं। और तीसरे इंसान के मन में आएगा कि इसने मुझे ओवरटेक किया है तो मैं इसको ओवरटेक करूंगा। और चौथे इंसान के मन में आएगा कि ओवरटेक करने से क्या फायदा, इसको निकाल के पीटो पकड़ के। अब ये जो चार लोग हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी को भी ये लगता होगा कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है? नहीं।
जिस इंसान के मन में अवॉइडेंस नॉर्मल है वो अवॉइड कर रहा है। हाँ, जो गुस्सा कर रहा है उसको अवॉइडेंस का बिहेवियर गलत लगेगा। जो अवॉइड कर रहा है उसको गुस्सा करने वाले का बिहेवियर गलत लगेगा। और आपने ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई गाड़ी से ओवरटेक करके चला गया, उसको पता भी नहीं, और गाड़ी में चार बैठे हुए दोस्त आपस में लड़ रहे हैं और अपने अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका ध्यान कहां पर लेके जाना चाहता हूं कि जो चीज एक इंसान के लिए सही है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान के लिए सही हो। हर इंसान का बिहेवियर अलग है, हर इंसान की एक्सपीरियंसेस अलग हैं। इसलिए हम ऐसा बोलता हूं कि मैंने आज तक जिंदगी में कोई भी गलत इंसान नहीं देखा। जो भी मेरे पास लोग आते हैं, इवन मैंने उन लोगों के साथ भी काम किया है जो बिल्कुल क्रिमिनल माइंडसेट के हो चुके थे, शायद किसी का मर्डर कर देते अगर वो मेरे पास नहीं लाए गए होते तो। लेकिन जब उनकी स्टोरी सुनते हैं, उनका एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से मर्डर करना भी गलत ना होता। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर हम लॉ के हिसाब से देखेंगे तो मर्डर करना गलत है, लेकिन उस इंसान के लिए उस स्टेट ऑफ माइंड में मर्डर करना गलत नहीं होता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि पीपल आर डिफरेंट, दे आर नॉट रॉन्ग। यानी जो दूसरा इंसान मेरे साथ कर रहा है, हम उसको ये ना सोचें कि वो गलत कर रहा है, हम ये सोचें कि ये उसका नेचुरल तरीका है जो मेरे तरीके से डिफरेंट है। हमारी गलती कहां होती है? हमारी गलती सिर्फ यही है कि हम जो मुझसे डिफरेंट बिहेव करता है उसको हम गलत मानने लगते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका बिहेवियर आपकी नजर में ठीक है, ऐसे ही दूसरे का बिहेवियर भी अपनी नजर में ठीक है। हमारा बिहेवियर दूसरे की नजर में गलत हो सकता है, जैसे दूसरे का बिहेवियर हमारी नजर में गलत है। अपनी सोच को फैलाना होगा, बढ़ाना होगा, और यह देखना होगा कि कोई भी इंसान दुनिया में गलत नहीं है। बस उसके अनुभव अलग हैं, उसकी अप्रोच अलग है, और वो जो भी कर रहा है वो उसकी नजर में सही है। राइट? तो अगर आपको फिर भी ऐसा फील होता है कि आप उसकी वजह से इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आप मेरे पास आए और फर्स्ट सेशन में मैं आपकी डिटेल्स लूंगा और फिर उसके हिसाब से प्लान करते हैं आपकी काउंसलिंग या हिप्नोथेरेपी या जो भी करने की जरूरत पड़ेगी। बट द ओनली थिंग दैट आई गारंटी यू इज अनकंडीशनल हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो माई डियर फ्रेंड्स, एट कॉन्कर द सक्सेस, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स, हजारों क्लाइंट्स ने ट्रीटमेंट लिया है, उनके रिव्यूज आप देख सकते हैं लिंक में, आपको पता लगेगा हमारी क्वालिटी, हमारी कमिटमेंट, और उन्होंने जो बेनिफिट्स लिए हैं उसके बारे में आपको पता लगेगा। और अगर आप भी लाइफ में किसी भी वजह से अनहैप्पी हैं एंड यू वॉन्ट हैप्पीनेस, कॉन्टेक्ट मी, वी गारंटी यू ओनली वन थिंग, दैट इज अनकंडीशनल हैप्पीनेस। सो माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। गुड लक टू यू।